मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जीवन में समस्याओं का सामना कैसे करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आदर्श पांडे, द ग्लोबल थिंकिंग का क्रिएटर, सक्सेसफुल लोगों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ। आइए मिलकर एक इतिहास रचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द ग्लोबल थिंकिंग। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह आपका शुभचिंतक है। मेरे दोस्त, समस्या सबके जीवन में होती है, मगर कोई छोटी समस्या को चिंता करके बड़ी कर लेता है तो कोई बड़ी समस्याओं को भी मुस्कुराते हुए सामना करता है। प्रश्न समस्या होने या ना होने का नहीं है, बल्कि प्रश्न समस्याओं का प्रचार करने का है। आप विश्वास करके कुछ लोगों के साथ अपनी समस्याएं बांट देते हैं और उनसे कहते हैं कि किसी को मत बताना। बिना देर के वो आपकी समस्या को ढेर सारे अन्य लोगों को बता देते हैं और यही कहते हैं कि किसी को मत बताना। यह कारवां बढ़ता चला जाता है। मुझे लगता है कि हम जब भी किसी बात के लिए यह लाइन का इस्तेमाल करते हैं, वही बात सबसे तेज फैलती है। अक्सर हम समस्या बांटने के लिए गलत लोगों का चुनाव करते हैं। ऑफिस में बॉस के साथ कोई टेंशन है, बॉस के साथ कोई तनाव है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम हर सहकर्मी के ऊपर विश्वास करके उससे कह देते हैं और धीरे धीरे यह बात फिर से बॉस तक पहुंच जाती है। पत्नी अपने पति, सास, ससुर आदि से हुए तनाव की चर्चा सहेलियों से करती है और सहेलियां पूरे शहर में फैला देती हैं। जीवन में यदि मुश्किलें हैं, तनाव हैं, समस्याएं हैं, तो सीधा उन पर कार्य करिए। अपने जीवन में ऐसे गुरु या मेंटर रखिए जिनके व्यक्तित्व की गरिमा और चरित्र पर आपको भरोसा है। उनके साथ समस्याएं बांट सकते हैं, मगर वह भी छांट छांट कर। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो यार, उसे हल करने के लिए संभावनाओं पर ईमानदार चिंतन करिए। यदि आप भय, दुविधा या टालम टूल की वजह से समाधान का ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो आप समस्या को बढ़ा रहे हैं। समस्या हर रोज बड़ी होती है, उसमें नए भय जुड़ते हैं और वह तकलीफ देर हो जाती है। इसीलिए देर हमेशा कष्टदायक होती है। समस्या पर डिसीजन ना लेना भी एक समस्या है। यदि विशेष परिस्थितियों में आपकी सोच कहती है कि समस्या पर अभी निर्णय लेना ठीक नहीं होगा तो अलग बात है, नहीं तो समस्या को टालना बुद्धिमानी नहीं है। एक बात बताइए, क्या समस्या वाकई में है? एक सच्चा और होशियार आदमी वही होता है जो समस्याओं के जड़ तक जाता है और पूछता है अपने आप से कि क्या वाकई में समस्याएं हैं? क्या समस्या पूर्वाग्रहों की वजह से पैदा हो गई? क्या समस्या अपेक्षाएं पूरी ना होने की वजह से पैदा हो गई? क्या समस्या हमारी धारणाओं की वजह से पैदा हो गई? जब एक होशियार और विद्वान व्यक्ति इन सारी चीज़ों को देखता है तो ज़्यादातर समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक कॉमेडियन था, उसने जोक सुनाया और उसके जोक पर लोग बहुत तेज हंसे और बहुत देर तक हंसे। कुछ देर बाद उसी कॉमेडियन ने वही चुटकुल्ला फिर से सुनाया, अब हंसी का आवाज़ कम सुनाई दिया। कुछ देर बाद फिर कॉमेडियन ने वही चुटकुल्ला सुनाया, अब बहुत कम लोग हंसे। कुछ देर बाद फिर वही चुटकुल्ला सुनाया और कोई भी नहीं हंसा। लोग झुंझला उठे कि एक चुटकुल्ले को क्यों दोहराया जा रहा है। उस कॉमेडियन ने सभी श्रोताओं को एक अद्भुत संदेश दिया। उसने कहा, साथियों, इस जोक ने आपको पहली बार इतना खुश कर दिया था कि आप हंसी को संभाल नहीं पा रहे थे, जबकि उसी जोक को जब मैंने चौथी बार सुनाया तो उसका प्रभाव खत्म हो चुका था। अब वो आपको जरा भी खुश नहीं कर पा रहा था। जब खुशी वाली बात आपको बार बार खुश नहीं कर पाती तो जिंदगी के वही दुख आपको बार बार क्यों दुखी करते हैं? जब खुशी के बाद का प्रभाव कुछ देर बाद शून्य हो जाता है तो दुखी करने वाली यादों के प्रभाव को आप कुछ देर के बाद शून्य क्यों नहीं कर देते? क्यों उनसे बार बार दुखी होते हैं? दोस्तों, हमारी शक्ति एक समस्या मुक्त जीवन पैदा करने के बजाय इस बात में लगनी चाहिए कि जब भी हमें समस्याएं घेर कर प्रभावित करने की कोशिश करें तो हम कितनी जल्दी उससे निकल पाते हैं। तो मेरे दोस्त, पूर्व में किसी बुरी घटना को याद करने पर यदि आप पूरा दिन उदास रहते थे और उसी घटना को याद करने पर आज आप सिर्फ चंद मिनट उदास रहते हैं तो यह भी आपकी विजय है। तो मेरे दोस्त, आज के बाद वादा करिए अपने आप से कि अपनी निजी समस्याओं को निजी ही रखेंगे, उसको पर्सनल ही रखेंगे। उससे अनावश्यक सहानुभूति हासिल करने के लिए अन्य लोगों को शेयर नहीं करेंगे। जो समस्या निर्णय में नहीं है उसे लेकर तनाव में नहीं लेंगे। टालने की जगह संभावना पर चिंतन करके ठोस निर्णय लेंगे। अपने जीवन में कुछ गुरु, मेंटर या सच्चे शुभचिंतकों को चुनकर सिर्फ उनसे ही समस्या शेयर करेंगे। मेरे दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं और नीचे कमेंट में लिखें कि क्या वाकई में आप ये चीजें अपने लाइफ में अप्लाई करने जा रहे हैं या नहीं। शेयर करें ताकि इस दुनिया में हम मोटिवेशन और पॉजिटिविटी फैलाने में सबकी हेल्प कर सकें, और उम्मीद करता हूं कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं। और दोस्तों, मैंने अपने सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पर जाके हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाइनिंग ऑफ आदर्श पांडे, विश यू ऑल द बेस्ट।